नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज का हमारा हेल्थ टॉपिक है नज़ला के बारे में। नज़ला क्या होता है और नज़ला जो है किस तरह आपको परेशान करता है, इसकी जो है क्या जो है होम रेमेडी होती हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, नज़ला बेसिकली आपके नाक से जुड़ा हुआ रोग है। नज़ले में दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक तो आपका इंटरनल नज़ला होता है, एक आपका एक्सटर्नल नज़ला होता है। इंटरनल नज़ले की बात करें तो आपकी नाक के अंदर एक म्यूकस जो बनता है, जिसको म्यूकस कहते हैं, म्यूकस जो है अंदर ही अंदर आपके गला जो होता है, गले के ऊपर से आपका नाक जो है गले के अंदर खुलता है, तो नाक के अंदर जो म्यूकस होता है वो गले के अंदर टपकता रहता है और आपको एकदम नमकीन जैसा टेस्ट आता है, और इस स्थिति को जो है इंटरनल नज़ला बोला जाता है, अंदर टपकने वाला नज़ला। दूसरा एक प्रकार का नज़ला होता है दोस्तों जो एक्सटर्नल नज़ला होता है, जिसमें जो है आपका जो नाक होता है उसके अंदर से जो है एक तरल पदार्थ बहने लगता है, म्यूकस बहने लगता है, इसकी वजह से आपकी आँखें लाल हो जाती हैं, आपका जो है नाक जो है एकदम लाल हो जाता है, आपको आँखों में जलन होती है, नाक में खुजली होती है, इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको नज़ला का दोनों प्रकार का पता चल गया, इंटरनल नज़ला, एक्सटर्नल नज़ला। नज़ला क्या होता है ये भी मैं आपको बता दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि नज़ला और जुकाम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत से लोग नज़ले और जुकाम को एक तरह का ही समझ लेते हैं। दोस्तों, जुकाम जो होता है वो आप ये समझिए कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपका बॉडी जो है एकदम गर्म है, आपने जो है गरा के जो है सीधा ही ठंडा पानी पी लिया है, तो उससे क्या होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, अभी एकदम से आप कम कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर एक्सचेंज की वजह से उसमें जो है आपका गले में जो है खराश वगैरह हो जाती है। जुकाम का सबसे पहला सिम्टम यही है कि जुकाम जब स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले ही आपका जो गला होता है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो है जुकाम की निशानी होती है। जुकाम जो है दोस्तों नॉर्मली 2 से 3 दिन में जो है आपके ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई चीज़ ज़्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। जुकाम अगर आपको होता है तो आप थोड़ा सा गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तो उससे जो है आपका जुकाम चला जाता है। लेकिन वही बात करें नज़ले की, तो नज़ला जो है काफ़ी हद तक जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है और एक लंबी चलने वाली बीमारी है। इसमें जो इंटरनल नज़ला जो होता है अगर वो आपको हो गया है तो इसमें जो आपको दमे की शिकायत हो सकती है, क्योंकि वो अंदर जो म्यूकस टपकता रहता है तो उससे जो है आपके फेफड़ों में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दमे की शिकायत हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये बातें हैं दोस्तों नज़ला के बारे में। बात करते हैं इसको कुछ ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको रात को जब आप सोते हैं तो उसमें जो आपको 2 करोड़ लेके सोना है, उससे क्या होगा आपका जो ये वाला नाक का हिस्सा है ये जो है बंद हो जाता है और ये वाला खुला रहता है। तो आयुर्वेद में ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों कि ये वाला जो नाक का हिस्सा होता है ये ठंडा होता है और ये वाला जो नाक का हिस्सा होता है ये गर्म होता है, इसको चंद्र बोला जाता है, इसको सूर्य बोला जाता है। तो अब जब 2 करोड़ लेकर सोएंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला चालू होगा, तो इससे जो आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बनेगी, बॉडी के अंदर गर्मी बनेगी तो आपका जो है नज़ला जो है वो ठीक हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों आप जब सुबह सुबह जब उठते हैं तो अनुलोम विलोम जो आप योग करते हैं उसमें क्या होता है आप इससे लेते हैं इससे छोड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको करना है कि ये आपको नाक कर देना है बंद और इससे जो है आपको सांस अंदर लेनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये वाला जो है गर्म होता है, तो इससे जो है आप सांस लेंगे अंदर तो वो जो बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी। दूसरे इसके एक नुस्खा बताता हूँ दोस्तों, आपको जो है लोहे की कढ़ाई लेनी है, दूसरी कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, लोहे की कढ़ाई लें आप, उसमें देसी घी डालें, देसी घी डाल के उसको गर्म करिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दें, चने का बेसन होना चाहिए दोस्तों, बाजार वाला बेसन मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको घर पे बनाया हुआ चने का बेसन होना चाहिए। आप जो है वो बेसन डाल दीजिए, उसको जो है आप भूनिए। अब भूनना कैसे है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितनी भी माताएं हैं वो मेरे से अच्छी कुकिंग जो है जानती हैं, तो आप जो उनको भूनिए, आपको जो सुगंध आने लग जाएगी, तो उसके बाद उसमें जो है आपको दूध डालना है, जो दूध होते हैं वो आप दूध उसमें डाल दीजिए, उसके बाद उसको धीरे धीरे पकाइए, तो ये एकदम गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा। गाढ़ा पेस्ट होने के बाद इसको आप जो है नीचे उतार दीजिए, इसको ठंडा कर दीजिए। ये जो है आपको दोस्तों सुबह सुबह आपको पीना है, ये जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है गर्मी पैदा करता है। नज़ला जो होता है वो बेसिकली जो है आपका कफ का प्रकोप रहता है, तो कफ में आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ये नुस्खा जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो वापस स्टिम्युलेट करता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आता है। इसमें दोस्तों अगर आपको इस नुस्खे से भी अगर आपको ठीक नहीं होता है तो आप छोटी पिपली एक होता है
वो जो है आप लिख के आइए और उसको जो है आप पीस लीजिए। उसको पीसने के बाद आप जब आप दूध डालते हैं उसके बाद उसमें थोड़ा सा छोटा पीपरी भी डाल दीजिए, तो उससे जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो नज़दीक के बारे में पसंद आया होगा। पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।